बिलाल सिद्दीकी साहब मीरठ इंडिया से, क्या खुतबा सुने बगैर जुमा नहीं होता? अगर ताखीर हो जाए और खुतबा निकल जाए और जमात खड़ी हो तो क्या जुमा की नमाज़ हो जाएगी या नहीं होगी? अगर कोई शख्स ऐसे वक्त में आता है कि इमाम खुतबा शुरू कर चुका है या इमाम ने खुतबा मुकम्मल कर लिया है, अब वो जमात में शरीक होता है तो उसकी जमात तो सही हो जाएगी, अलबत्त जो जुमे की फजीलत है वो उसको हासिल नहीं होगी। क्योंकि हदीस शरीफ में आता है जिसका मफहूम यह है कि अल्लाह ताला की तरफ से जो फरिश्ते मुकर्रर होते हैं उन लोगों का नाम लिखने के लिए जो जुमे में शरीक होना चाहते हैं, और फिर जो पहले आता है उसका ज़्यादा सवाब मिलता है, उसके बाद जो आएगा उसको कम सवाब मिलेगा। तो जब इमाम खुतबा शुरू करता है तो खुतबा शुरू होने के साथ उस फाइल को बंद कर देते हैं, और फिर बाद में आने वाले लोग के नामों का इंदराज उस फाइल में नहीं होता। तो लिहाजा अगर कोई खुतबा शुरू होने के बाद या खुतबा मुकम्मल होने के बाद शरीक होगा, जुमे की नमाज उसी होगी, अलबत्त जुमे के ऊपर जो मुरतब होने वाले जो सवाब था, जो फजीलत थी, वो हासिल नहीं होगी।